सभी को मेरा नमस्कार। क्या हाल है? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का माध्यमिक पाठ्यक्रम संस्कृत का पहला पुस्तक का अध्याय एक सुभाषितानी पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय छात्र, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम सब संस्कृत के प्रथम अध्याय को पढ़ने वाले हैं। प्रथम अध्याय सुभाषितानी है। सुभाषित शब्द का अर्थ है सुंदर वचन। श्रेष्ठ रचनाकारों के द्वारा कहे गए ये सुंदर वचन समाज के लिए कल्याणकारी होते हैं। प्रस्तुत पाठ में महाभारत, मनुस्मृति जैसे ग्रंथों से ऐसे ही सुभाषित रत्नों का संलग्न किया गया है। इन पद्यों में विशेष रूप से अपने से बड़ों के प्रति सम्मान की भावना, गुरु के प्रति श्रद्धा भाव, चरित्र की रक्षा, धर्म के लक्षण, शुचिता व सत्य के महत्व का निर्देशन कराया गया है। वस्तुतः ये सुभाषित पद्य मानवीय जीवन मूल्यों की अभिवृद्धि के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हम सभी इन पद्यों में वर्णित नैतिक गुणों को जीवन में धारण कर अधिक व्यवहार कुशल व चरित्रवान बन सकते हैं एवं अपने वर्तमान जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, सुभाषित शब्द का अर्थ सुंदर वचन है, अच्छे वचन है। श्रेष्ठ रचनाकार कौन हुए? श्रेष्ठ रचनाकार जो हमारे धर्म ग्रंथ में जिनकी वाणी लिखी गई है, उन्होंने ये वचन हमारे समाज के कल्याण के लिए लिखा है। उन्होंने बताया है कि जो लोग बड़ों के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं, गुरु के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, अपने चरित्र की रक्षा करते हैं, जिनमें धर्म के लक्षण हैं, वो पवित्र हैं और वे सत्य के महत्व का पालन करते हैं, जिससे उनके जीवन के मूल्यों में अभिवृद्धि होती है और उनका जो व्यवहार है वह कुशल हो जाता है और वह चरित्रवान बन जाते हैं और उनका जो वर्तमान जीवन है वह भी सार्थक हो जाता है। तो हम लोगों ने सुभाषित शब्द के अर्थ को जाना और यह भी जाना कि हमारे जो श्रेष्ठ रचनाकार है वह हमारे जीवन के लिए बहुत सारे सुंदर वचन को बतलाया है। तो हम लोग यहाँ पर मूल पाठ को पढ़ेंगे। यहाँ पे संस्कृत के शब्दों के जो भी कठिन शब्द आपको लगे, आपको यहाँ पर अर्थ दिया गया है, आप उस अर्थ से इस संस्कृत के हिंदी को जान सकेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं, प्रथम एकांशा को पढ़ते हैं। प्रथम दोहा क्या है? अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसि विनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। वृद्धों की हमेशा सेवा तथा आदर सम्मान करने वालों की चार चीजों में वृद्धि होती है, उनकी चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश एवं बल। जो लोग अपने से बड़ों की सेवा करते हैं उनसे उनकी आशीर्वाद प्राप्त होता है और उस आशीर्वाद से उनके जीवन की उन्नति होती है। अगला दोहा, यथा खनन खनित्रेण नरो वारिधि गच्छति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूष गच्छति। अर्थात जिस प्रकार कुदाल से जब खनन खनन अर्थात खोदने का कार्य करते हुए मनुष्य को जमीन के अंदर से जल की प्राप्ति हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जो शिष्य अपने गुरु के समीप रहते हैं एवं उनकी सेवा करते हैं, सेवा करने मात्र से ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में गुरु की सेवा एवं उनका आदर सम्मान करने की बातें कही गई हैं। अगला दोहा, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। अर्थात सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास करने से हमारे विद्या की रक्षा होती है, मालिश करने से हमारे रूप की रक्षा होती है एवं हमारे चरित्र से, हम जिस तरह का चरित्र व्यवहार करते हैं उससे हमारे कुल की रक्षा होती है। अगला दोहा क्या है?
वित्तम यत्नेन सरं छेत् वित्तमेति च याति च अक्षिणो वित्ततः छिनो वृत्तस्तु हतो हतः। अर्थात हमें अपने चरित्र की यत्न से रक्षा करना चाहिए, हमें अपने चरित्र को रक्षा करना चाहिए, क्योंकि चरित्र को अगर हम लोग त्याग कर धन की रक्षा करेंगे तो हमारा वैसे जीवन बेकार है। धन तो चंचल होता है, वह आता है कभी तो कभी चला जाता है, लेकिन जो धन से तो संपन्न है पर उनका जो आचार या जो चरित्र है वो भ्रष्ट है, तो वे मरे हुए आदमी के समान होते हैं। अब हम लोग द्वितीय कांश को पढ़ेंगे। धृति क्षमा दमो सत्यम शौचमिंद्रियाणि गृह धीर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धर्म के 10 लक्षण है। ये 10 लक्षण कौन कौन से हैं? धैर्य रखना, क्षमा कर देना, मन को अपने वश में करना, चोरी न करना, पवित्रता, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि का प्रयोग करना, विद्या ग्रहण करना, सत्य का पालन करना एवं किसी पर क्रोध न करना। ये 10 गुण धर्म की पहचान है। जिसमें यह गुण है वह प्रशंसा के योग्य है, उन्हीं का प्रशंसा होगा जो जिन लोगों में ये 10 लक्षण पाए जाते हैं। अन्य दिए त्रीने रत्ने कांचने मोक्ति के पीच मनसा विनिवृत्तार्य तदस्तेयम विदु बुद्धा। अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति की वस्तु को, चाहे वह छोटे तिनके के रूप में हो या बड़े हीरे मोती जवाहरात के रूप में, उसे लेने के लिए मन में भी ना सोचना चोरी करना कहलाता है। अगर आप मन में सोच रहे ना कि दूसरे की कोई वस्तु है हम उसका ले लेंगे, वह बहुत अच्छा वस्तु है, तो ये चोरी करने के समान ही जितना बड़ा पाप है। इसलिए हमें ऐसे भावों से भी दूरी बनाकर रखना चाहिए। हम लोग भले ही उस वस्तु को चोरी ना करें, लेकिन अपने अगर मन में ही रखेंगे कि हमें वह वस्तु अच्छा लग रहा है और हम उसे उठा लेंगे एक दिन, तो वह भी उतना ही पाप देगा जितना आप उस वस्तु को चोरी करके अपने सिर पे पाप लेंगे। अगला दोहा, मनः शौचम कर्म शौचम कुल शौचम च भारत शरीर शौचम वाक शौचम स्वाचम पंचविधम स्मृतम। अर्थात धर्म के 10 लक्षण बताए गए थे ऊपर में आपको, तो इन 10 लक्षणों में जो 5वां लक्षण पवित्रता है, उस पवित्रता की भी 5 लक्षण यहाँ पे चर्चा की गई है। कौन कौन सी पवित्रता? मन की पवित्रता, कार्य की पवित्रता, कुल की पवित्रता, शरीर की पवित्रता एवं वाणी की पवित्रता। वही पवित्र माना जाएगा जो इन 5 दृष्टियों से पवित्र है, जिनमें कार्य की भी पवित्रता है, मन की भी पवित्रता है, वह कुल की भी पवित्रता है उनमें, शरीर की पवित्रता है और वाणी की पवित्रता है। केवल किसी एक की पवित्रता पर्याप्त नहीं होती है, उनमें 5 की पवित्रता होना अनिवार्य है। अगले दोहे को हम लोग देखते हैं। सत्यमेश्वरो लोके सत्य धर्म सदाश्रितः सत्य मूलानि सर्वाणि सत्य नास्ति परम पदम। अर्थात सत्य से मिलने वाला पुण्य आप महादान करके भी नहीं कमा सकते, महातपस्या करके भी नहीं कमा सकते हैं, और आप जो सत्य से पुण्य को प्राप्त करेंगे वह महान पुण्य है। अतः जीवन में सत्य को ही अपनाना श्रेष्ठ समझा जाता है। अगर आप जीवन में अपने सत्य को अपनाएंगे तो आप श्रेष्ठ कहलाएंगे। इसलिए सत्य को परम पद माना गया है। सत्य में ही ईश्वर एवं धर्म का वास होता है, अतः सत्य से श्रेष्ठ स्थान कुछ भी नहीं है। और अंत में अध्याय समाप्त हो चुका है। अगर इस अध्याय से कोई परेशानी हो तो अपनी परेशानी को टिप्पणी बॉक्स में हमसे साझा करें। और हाँ, सारे बोध प्रश्न, पाठगत प्रश्न एवं पठान प्रश्न बनाने का प्रयास करें। ये रहा बोध प्रश्न
इसे बनाने का प्रयास करें। ये रहा पाठ का प्रश्न 1.1। ये रहा पाठ का प्रश्न 1.2। ये रहा पठान प्रश्न और यहाँ पे उत्तर तालिका दिया गया है। सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे दिया गया है। पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर उत्तर तालिका की सहायता लें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।